महाराष्ट्र में ब्राह्मण नेता सीएम बनने जा रहे हैं, जिससे राज्यों की कमान संभालने वाले नेताओं में ब्राह्मण समुदाय का दबदबा बढ़ गया है। देश में ब्राह्मण समुदाय की आबादी करीब 5% है। ऐसे में अब पूरे देश में 4 मुख्यमंत्री हो गए हैं, जो ओबीसी और ठाकुर के बाद सबसे ज्यादा हैं। देश में करीब 7 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वही 5 ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर 30 राज्यों के मुख्यमंत्री किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इस लिस्ट में मुस्लिम समुदाय के सीएम भी शामिल है। मुख्यमंत्रियों की जाति को लेकर ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। 18% आबादी वाले दलित समुदाय का एक भी मुख्यमंत्री देश में नहीं है। इसके उलट करीब 9% आबादी वाले 4 आदिवासी देश की कमान संभाल रहे हैं। देश के 2 मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो जाति व्यवस्था पर यकीन नहीं करते और खुद को नास्तिक बताते हैं। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। साल 2023 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी ब्राह्मण हैं। विधानसभा के एक सत्र में हेमंत ने खुद को कन्नौज मूल का बताया था। वही साल 2021 में हेमंत को असम की जिम्मेदारी मिली। बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ब्राह्मण ही हैं। ममता साल 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। साल 2021 में उन्होंने तीसरी बार ये कुर्सी संभाली थी। अब देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने से ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वर्ण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रेवंत रेड्डी जिस समुदाय से आते हैं वो तेलंगाना में अपर कास्ट की श्रेणी में शामिल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सियासत में रेड्डी समुदाय का काफी दबदबा है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू कम्मा समुदाय से आते हैं और आंध्र प्रदेश में ये समुदाय जनरल कैटेगरी की श्रेणी में शामिल है। इस बीच हैरानी की बात यह है कि देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। साल 2022 के बाद से देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। 2022 में आखिरी बार पंजाब में कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई थी। वर्तमान में एक भी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में दलित डिप्टी सीएम जरूर है। देश के 5 राज्यों में अभी ठाकुर समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे है। योगी देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ठाकुर समुदाय के ही हैं। सुक्खू कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह भी ठाकुर समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा दिल्ली के नव नियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी भी ठाकुर जाति से ही ताल्लुक रखती हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा रखता है। इसी तरह सिख समुदाय के भगवंत मान भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सिखों को भी भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। ईसाई धर्म को मानने वाले कोनार्ड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ललदुन होवा भी ईसाई धर्म को मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बौद्ध से आते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वही अब बात करें उन मुख्यमंत्रियों की जिन्हें नास्तिक माना जाता है, तो सबसे पहले नाम आता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का, जो द्रविड़ समुदाय से आते हैं। लेकिन स्टालिन अक्सर भारत की जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। स्टालिन एक मंत्र से खुद को नास्तिक भी बता चुके हैं। स्टालिन के बेटे उदयनिधि अमूमन हिंदू धर्म पर निशाना साधते रहते हैं। इसी तरह केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन एजवा समुदाय से आते हैं। केरल में इसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन विजयन भी जाति व्यवस्था के खिलाफ रहती हैं। कई मौकों पर विजयन जाति व्यवस्था को सबसे घातक बता चुके हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, जो अंगामी नागा ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। नागालैंड में इसे आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। इसी तरह उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। साल 2023 में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए गए। साय भी आदिवासी समुदाय के हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। देश में लंबे वक्त बाद 4 राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं।
वहीं कुर्मू समुदाय से आने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वो पटेल समुदाय के नेता हैं। ओबीसी के सैनी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अहिर जाति के हैं, जो ओबीसी के अधीन है। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी भी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो वनियार जाति से आते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।